इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 11 का सबसे पहला टॉपिक साउंड वेव्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 10 में पढ़ा था रिपल डांस, जिसमें हमने लिक्विड के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी। तो उन वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक मीडियम रिक्वायर था, दैट इज़ लिक्विड। उसके अलावा साउंड वेव्स जो हैं, इसमें भी हमें साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होगा, विच इज़ एयर। और साउंड वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़, कि जब दो बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं तो वहाँ पर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइट बोर्ड है, तो वो भी एटम से मिलकर बना है, तो जब हम उसे नॉक करेंगे तो उसके एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। उन एटम्स के वाइब्रेट करने से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। अब उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन गिटार, के गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेट करने से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा वोकल कॉर्ड्स जो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और हम बोल पाते हैं। ह्यूमन हार्ट बीट, अब बेटा ह्यूमन का जो हार्ट है वो 24 आवर्स बीट करता है, तो उसकी वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट होती है उसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइक ड्रम, ड्रम को जब आप बजाते हैं तो उसके बजाने से क्या होता है कि दोनों जो उसके दोनों साइड के सरफेस होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनके वाइब्रेट करने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब बेसिकली हमने पढ़ा कि साउंड को भी प्रोड्यूस कराने के लिए हमें एक मीडियम रिक्वायर होता है, दैट इज़ एयर। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है तो सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जाकर वाइब्रेट करती है। जैसे हमने बात की थी कि किसी भी चीज़ जिसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो साउंड है वो एयर में जाकर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, तो उसमें जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे ही वो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसके ज़रिए जो साउंड है वो सोर्स से ट्रैवल होकर हमारे एयर तक आ रहा होता है। इस तरह से कोई भी साउंड हम इजीली सुन सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से, बॉडी के वाइब्रेट करने से, तो हम जो एग्ज़ाम्पल लेकर आए वो डिस्कस करते हैं कि आपने एक ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा, उस फोर्क को जब हम रबर के साथ बांधेंगे या रबर उस पर लगाएंगे तो उससे क्या होता है, वो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वो साउंड इतनी तो नहीं होती कि वो सुनाई दे सके, तो हम ट्यूनिंग फोर्क को कान के करीब करके उस जगह पर उसको बजाते हैं तो वाइब्रेट करता है, तो उसका जो साउंड है वो हमें सुनाई दे सकता है। अब हमें किस तरह से मालूम होगा कि ये ट्यूनिंग इफेक्ट है, वो वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि वो ट्यूनिंग फोर्क को बहुत लाइट वाइब्रेट करेगा तो उसकी साउंड बहुत थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी। तो आप क्या करें, आप एक धागे के साथ एक बॉल को बांध दें और उस बॉल को ट्यूनिंग फोर्क के करीब जाकर रख दें और फिर ट्यूनिंग फोर्क को रबर बैंड के साथ दोबारा से वाइब्रेट करवाएं। तो अब जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो जो बॉल आपने धागे के साथ बांधी है वो हिलने लग जाएगी, तो इसकी मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है। अब एक और मेथड क्या आप देख सकते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहा है, तो आप क्या करें, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को पानी के अंदर डाल दें, तो जैसे ही आप उसको अंदर डालेंगे उससे साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उस साउंड से आपको पता चलेगा कि ट्यूनिंग इफेक्ट मूव होगी, ट्यूनिंग इफेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रही है। जैसा कि पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। तो हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, हम एक बेल जार को एक वैक्यूम पंप के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस बेल जार को फर्दर इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो बेल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। तो ये जैसे ही वाइब्रेट करेगी आपको इस बेल का साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस बेल जार को टोटली क्लोज कर देते हैं, ऑल दो उस बेल जार के अंदर एयर मौजूद है, तो उस एयर की वजह से आपको उससे साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन अब ये जो वैक्यूम पंप रखा है ये क्या करेगा, ये सारी की सारी एयर को बाहर निकाल देगा। जैसे ही उससे एयर को बाहर निकालेगा तो इस बेल जार के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो फर्दर आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। दिस शोज़ दैट कि जब तक वहाँ पर एयर मौजूद थी, जब तक आपको साउंड सुनाई दे रहा था, मतलब जब तक एयर मौजूद थी तो वहाँ के अंदर एयर था, लेकिन जैसे जैसे हमने एयर बाहर निकालना स्टार्ट की वैसे वैसे साउंड भी
मतलब साउंड आना भी बंद हो गया। इट मीन्स कि वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम की वजह से आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा। अब फर्दर इस बेल जार में दोबारा से एयर ऐड करना स्टार्ट करते हैं और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे ही आप एयर इसमें डालना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको दोबारा साउंड सुनाना शुरू कर देगा। अब जो साउंड वेव होती है इसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे हमने एग्जांपल ली ट्यूनिंग फोर्क की, तो हमने बात की थी ट्यूनिंग फोर्क में फोर्क वाइब्रेट कर रहा होता है, तो वो हमने ये बात की थी कि वो बिल्कुल हल्का सा वाइब्रेट कर रहा होता है जिसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, यानी कि वो वाइब्रेट कर रहा है या नहीं। तो उसको देखने के लिए कि वो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि बॉल को धागे के साथ बांध के उसके करीब ले आए, फिर बॉल हिलाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगर उस बॉल को पानी में डाल दें तो उसे भी हमें पता चल जाएगा उसकी वाइब्रेशन का। अब स्टार्ट में क्या है, उस ट्यूनिंग फोर्क की सराउंडिंग साइड जितनी भी एयर है वो स्मूथली मूव कर रही है और उसमें ना कोई कंप्रेशन है ना ही कोई रिफ्रैक्शन है। जैसे ही आपने ट्यूनिंग फोर्क को हिट किया तो हिट करने से क्या हुआ, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई। तो उसके पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ओ एंड एक पॉइंट पी। तो ये लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करेगा, तो क्या करेगा, पॉइंट ओ से ए की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क अपनी पोजीशन ओ से पी की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, एयर पे प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इससे क्या होगा, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो अब जब ट्यूनिंग फोर्क दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, ए पर आ जाएगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि कंप्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्रैक्शन, मींस कि जो एयर का प्रेशर था पहले अब उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। तो इस तरह से आपकी ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी, तो इस तरह से जो साउंड है वो ट्रेवल करता रहेगा। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट के साउंड की जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके अलावा दो कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और दो रिफ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है। सो दिस वॉज आवर टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।